वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। तो क्लास सेवन आज आपका सब्जेक्ट है मैथ्स, तो ओपन कीजिए अपनी मैथ्स की बुक। एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 640 मीटर अबव सी लेवल। तो क्लास सेवेंथ ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 तक आप इससे पहली क्लास में कर चुके हैं, तो आप यहाँ पर आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 6-9। पेज नंबर है आपका 17, तो आप ये ओपन करेंगे। इसमें कहा गया है कि एक एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, एक हेलीकॉप्टर जो है उड़ रहा है, कितनी हाइट पर? 640 मीटर अबव सी लेवल। समुद्र की जो लेवल है उसकी ऊंचाई, उससे ये 640 मीटर ऊपर उड़ रहा है इतनी हाइट पर। एंड लैंड ऑन ए एयरफील्ड, और ये लैंड करता है एयरफील्ड यानी कि धरती पर ये लैंड करता है 260 मीटर अबव सी लेवल। सी लेवल से 260 मीटर अबव ये लैंड करता है, पहले इतनी मीटर पर उड़ रहा था, समुद्र से इतना ऊपर ये 260 मीटर अबव ये लैंड करता है। हाउ मच हाइट डज एयरक्राफ्ट लूज ऑन लैंडिंग, तो लैंडिंग में उसने कितनी हाइट अपनी मतलब कम की है, कितना लॉस किया है हाइट को जब उसने लैंड किया है। तो क्वेश्चन को आप करेंगे इस तरीके से, तो जैसे कि ये एयरक्राफ्ट है और ये एक हमारा सी लेवल है, समुद्र का लेवल है, तो हमारा जो लेवल हम ले रहे हैं वो समुद्र तल से ले रहे हैं, तो समुद्र का तल हम यहाँ मानेंगे, तो इससे ये 640 मीटर ऊपर उड़ रहा है, फ्लाइंग कर रहा है, तो यहाँ पर हमने मान लिया ये 640 मीटर है। उसके बाद उसने लैंड किया यानी कि उसने धरती पर वह उतरा, लैंड किया नीचे, तो वो भी हमें जो दे रखा है वो भी सी लेवल से ही दे रखा है यानी कि समुद्र तल से, समुद्र तल यानी कि समुद्र की तली। तो यहां से इसने लैंड किया है, ये हमारी धरती है, यहां पर इसने लैंड किया है, ये 260 मीटर है। तो आप लैंग्वेज लिखेंगे, एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट ए हाइट, एक एयरक्राफ्ट उड़ रहा था कितनी हाइट पर? 640 मीटर, जैसे कि आपने ये देखा। द एयर एन एयरक्राफ्ट इज लैंड्स ऑन ए एयरफील्ड, उसने लैंड किया 260 मीटर पर, ये लैंड किया है 260 मीटर। द एयरक्राफ्ट लूजेस हाइट ऑन लैंडिंग, तो इनके बीच की ये जो हाइट है, बीच में उसने कितनी हाइट को लूज किया है, कम किया है, वो आपको निकालना है। यहाँ ये वाली हाइट से ये वाली हाइट तक ये आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 640 मीटर में से माइनस कर देंगे 260 मीटर को, तो ये आपका आएगा 380 मीटर। जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, फोर में से सिक्स आपके नहीं जा सकते, 14 में से आप सिक्स माइनस करेंगे 8, और 5 बचा, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3, 380 मीटर इन दोनों के बीच का जो हाइट का गैप है वो आपका आ जाएगा। तो आपका ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ए हाउसिंग सोसाइटी कंस्ट्रक्ट 250 हाउसेस, एक जो हाउसिंग सोसाइटी है यानी कि जो हाउस बिल्ड करते हैं वो जो सोसाइटी है वो 250 हाउसेस बनाती है। आउट ऑफ दीज 185 हाउसेज आर वैकेंट, 250 हाउसेज टोटल बनाए गए हैं, उनमें से 185 हाउसेज जो हैं वो वैकेंट हैं, वैकेंट मतलब खाली, अभी खाली पड़े हैं, एंड रेस्ट आर ऑक्यूपाइड बाई फैमिली, और बाकी के जो हाउसेज हैं वो फैमिलीज द्वारा उन्हें ले लिया गया। ऑक्यूपाइड मतलब एक तरह से कब्जा करना होता है कि बाकी फैमिलियां उसमें आकर रहने लगी हैं। तो इफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस, यदि एक हाउस की कंस्ट्रक्शन 245,000 है, व्हाट अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम ऑक्यूपाइड हाउसेज, तो जो जो फैमिली उनमें आकर रह रही हैं, जो ऑक्यूपाइड हाउसेज हैं जिन पर मतलब जिनमें आके लोग रहने लगे हैं, उनके द्वारा कितनी अमाउंट इकट्ठी होगी, कलेक्टेड होगी, कितनी अमाउंट उनसे मिल जाएगी उन सभी हाउसेस से। तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे आप इस सोसाइटी कंस्ट्रक्ट, पहले आप इस तरीके से क्वेश्चन उतारेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे सोसाइटी कंस्ट्रक्ट्स टोटल हाउसेस, एक सोसाइटी ने टोटल हाउस कंस्ट्रक्ट किए, कितने हाउस बनाए 250, वैकेंट हाउसेज उसमें से खाली हाउसेज कितने हैं 185, तो आपके ऑक्यूपाइड हाउसेज कितने आ जाएंगे, आपको ऑक्यूपाइड हाउसेज निकालने हैं वो हमें नहीं दिया है, तो आप 250 में से 185 को माइनस कर देंगे तो आपके आ जाएंगे 65, 65 हाउसेज जो हैं वो आपके ऑक्यूपाइड हैं यानी कि जिनमें फैमिलियां रह रही हैं। अब कॉस्ट ऑफ वन हाउस है 245,000, तो ये जो फैमिली आकर रही हैं ये कॉस्ट हमें देंगी, इनसे ये अमाउंट मिलेगी, तो कॉस्ट ऑफ 65 ऑक्यूपाइड हाउसेज क्या होगी,
जो एक हाउस की कॉस्ट है उसकी मल्टीप्लाई आप कर देंगे 65 से, तो 2,45,000 की मल्टीप्लाई आप 65 से करेंगे, तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की जीरो में करेंगे जीरो, 5 की जीरो में करेंगे जीरो एंड 5 की जीरो में करेंगे जीरो, 5 जो 25 का 5 कैरी लगा 2, 5 4 जो 20, 20 और 2 22, 2 यहां लिखा जाएगा और कैरी लगेगा 2, 5 2 जो 10 और 2 12, 6 से इसी तरीके से करेंगे, जब 6 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा, तो इसलिए आपकी 3 0 आ जाएंगी शुरू में, 6 5 जो 30, 30 की 0 कैरी लगेगा 3, 6 4 जो 24, 24 और 3 27 कैरी लगेगा 2, 6 2 जो 12 और 2 14, आप अब सबको प्लस करेंगे तो 3 0 आ जाएंगी, 5 का 5, 2 में 0 प्लस करेंगे 2, 7 और 2 9, 4 और 1 5 और 1 का 1, तो आपके जो अमाउंट इकट्ठी होगी यानी कि जो आपको कॉस्ट मिलेगी 65 ऑक्यूपाइड हाउसेस की, तो वो अमाउंट कितनी होगी, 1,59,25,000 रुपीज, इतनी हमारी जो अमाउंट होगी वो होगी ऑक्यूपाइड हाउसेस की, यही हमसे पूछा गया था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गीता हैड 650 रुपीज, गीता के पास 650 रुपीज है, शी कैप्ट 150 रुपीज विद हरसेल्फ, 150 रुपए उसने अपने पास रख लिए हैं, 150 रुपीज उसने अपने पास रख लिए हैं अपने लिए, एंड डिवाइडेड द रिमेनिंग बिटवीन हर टू सिस्टर्स इक्वली, और 650 में से 150 रुपीज रखने के बाद जितने भी रुपीज बचे हैं वो उसने अपनी सिस्टर्स, टू सिस्टर्स में इक्वली डिवाइड कर दिए हैं, यानी कि दोनों सिस्टर को इक्वली बराबर बराबर दे दिए हैं, हाउ मच डिड हर ईच ऑफ सिस्टर गेट, तो उसकी प्रत्येक सिस्टर को कितनी मनी, कितने रुपीज मिले। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके से डैश डैश करके उतारेंगे और फिर आप लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, गीता हैड मनी, गीता के पास टोटल कितना मनी था, रुपीज 650, गीता कैप्ट मनी विद हरसेल्फ, गीता ने मनी अपने पास रखा अपने लिए रुपीज 150, तो रिमेनिंग मनी क्या होगा, सबसे पहले आपको रिमेनिंग मनी निकालना है, तो वो होगा 650 में से आप माइनस कर देंगे 150, यानी कि 650 माइनस 150, तो 0 में से 0 जाएगी 0, 5 में से 5 जाएगा 0 और 6 में से 1 जाएगा 1, तो रुपीज 500, यानी कि रिमेनिंग मनी, बचा हुआ मनी कितना है 500, जो उसने अपनी सिस्टर्स के बीच इक्वली डिवाइड किया है, और उसकी सिस्टर्स कितनी थी, 2, तो गेट्स ईच गीतास ईच सिस्टर गॉट मनी, गीता की प्रत्येक सिस्टर को मिला कितना मनी मिला, 500 को आप डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि कितनी सिस्टर्स के बीच बांटा गया है, दो सिस्टर्स के बीच, तो इसीलिए आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे, जब आप 500 को 2 से डिवाइड करेंगे इस तरीके से तो आपका आएगा 250 रुपीज, 250 यानी कि गीता की प्रत्येक सिस्टर को 250 रुपीज मिले हैं, 250 और 250, इस तरीके से आपका क्वेश्चन कम्प्लीट होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, एलिवेटर होता है बेटा लिफ्ट, तो एक लिफ्ट डिसेंड्स यानी कि नीचे उतरती है, एक लिफ्ट नीचे उतरती है किस रेट से, 6 मीटर पर मिनट, यानी कि एक मिनट में 6 मीटर वो नीचे उतरती है, इफ द डिसेंड्स स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, यदि जो डिसेंट है यानी कि जो उतरना स्टार्ट होता है वो ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर, मान लीजिए कोई ग्राउंड लेवल है, यहां आपका ग्राउंड लेवल है, तो जो लिफ्ट है वो यहां है 10 मीटर पर, ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर है और वो यहां से उतरना नीचे स्टार्ट करेगी, इस तरीके से वो नीचे उतरेगी और आपको कहां लाना है उसे, तो उन्होंने पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच 350 मीटर, तो वो 350 मीटर नीचे आने में कितना टाइम लेगी, मान लीजिए जो आपकी लिफ्ट थी वो यहाँ ऊपर 10 मीटर ग्राउंड लेवल से 10 मीटर अबव ऊपर है और उसे 350 नीचे आना है, 350 नीचे आना है इस तरीके से, तो 10 और 350 को अगर हम ये पूरी डिस्टेंस, सबसे पहले हमें पूरी डिस्टेंस पता होनी चाहिए कि लिफ्ट को पूरी डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, तो आप पहले पूरी डिस्टेंस निकालेंगे तो 350 और 10 ये दोनों क्या होंगी, प्लस होंगी, क्योंकि जो लिफ्ट है उसे ये 10 मीटर भी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी और नीचे 350 भी, तो 350 और 10 क्या होगा, प्लस होगा, तो आप लैंग्वेज किस प्रकार लिखेंगे इस क्वेश्चन, यहाँ पर 10 मीटर ये ऊपर से नीचे आएगी लिफ्ट और 350 मीटर तक आएगी, ठीक है, तो आप लैंग्वेज लिखेंगे एन
एन एलिवेटर डिसेंड्स एट द रेट, एक जो लिफ्ट है वो नीचे उतरती है 6 मीटर पर मिनट, डिस्टेंस हैव टू कवर, डिस्टेंस जो उसे कवर करनी है वो है 10 मीटर और 350 मीटर, यहां से यहां तक ये दोनों बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा 360 मीटर, 350 और 10, 360 मीटर। टाइम टेकिंग टू कवर डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को कवर करने में लिफ्ट को कितना टाइम लगेगा, 360 को आप डिवाइड करेंगे 6 से क्योंकि वह एक मिनट में 6 मीटर उतरती है और हमें 360 मीटर की डिस्टेंस तय करनी है, तो 360 को आप डिवाइड करेंगे 6 से, तो इस तरीके से आप डिवाइड करेंगे 6 6 36, 0 के लिए 0 आ जाएगा, तो ये आया हमारा 60 मिनट्स। टाइम की बात चल रही है तो टाइम किस में आएगा, मिनट्स या आवर या टाइम, ये जो सेकंड साइन में आता है, लेकिन हमारा जो ऊपर से टाइम चलता आ रहा है वो मिनट के लिए आ रहा है क्योंकि वो एक मिनट में 6 मीटर नीचे आ रही थी, तो मिनट चल रहा है, तो इसीलिए ये हमारी आई है 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स को आप क्या लिख सकते हैं, 1 आवर, 60 मिनट्स को आप क्या लिखेंगे, 1 आवर। तो यानी कि लिफ्ट को ये पूरी डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 1 आवर, 1 घंटा। इस तरीके से बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है, 1C एक्सरसाइज आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है। ये सारा वर्क आपको अपनी नोटबुक यानी कि मैथ्स की कॉपी में करना है। आपके लिए होमवर्क है, राइट टेबल 2 to 15 इन योर नोटबुक, आपको अपनी कॉपी में ये सारा वर्क करने के बाद टेबल लिखने हैं 2 to 15। इस सारे वर्क की फोटो आपको सेंड कर दी जाएगी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।